एक तरफ तो नगर काउंसिल कपूरथला ने अवैध कब्जे हटवाने संबंधी मुहिम छेड़ने का दावा कर राजनीतिक दबाव में तेबाजारी तक भरने वाले एक होटल व खोखे को अवैध निर्माण कब्जा बताकर उन पर विभागीय बिल्डोजर फरवाकर अवैध कब्जे हटाने की मुहिम की कार्रवाई का हिस्सा बताया है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के ही कर्मचारी राजनीतिक नेताओं की मिलीभुगत से लाखों रुपए अंदर खाते लेकर जलंधर कपूरथला हाईवे रोड पर स्थित मंसूरवाला दोना शमशान घाट के बाहर करोड़ों रुपयों की जमीन पर अवैध कब्जा करवाने का भ्रष्टाचार का एक मामला जिला कपूरथला में देखने को सामने आया है। क्या देखते हैं इस रिपोर्ट में, क्या है पूरा मामला देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी टीवी स्क्रीन पर जलंधर कपूरथला हाईवे रोड पर स्थित मंसूरवाला दोना शमशान घाट के बाहर एक पक्के तौर पर रखा गया खोखा व साथ में एक होटल मालिक की ओर से अवैध निर्माण कर कब्जा करने की तस्वीर जो देख रहे हो, इन्हें नगर काउंसिल कपूरथला की ओर से कोई भी लिखती आदेश नहीं दिया गया और ना ही विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कर्मचारी राजनीतिक नेताओं को मिली भुगत से लाखों रुपए अंदर खाते लेकर गैरकानूनी तरीके से अवैध कब्जे करवाने का मामला मीडिया के ध्यान में आने के बाद इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए जब हमारी मीडिया टीम ने नगर काउंसिल विभाग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप तिवाड़ी से जलंधर कपूरथला हाईवे रोड पर स्थित मंसूरवाला दोना शमशान घाट की करोड़ों की जमीन पर मिली भुगत करके लाखों रुपए की रिश्वत लेकर कब्जा करवाने की बात पूछी तो उन्होंने खुद माना कि अवैध कब्जा करने का मामला उनके ध्यान में आया है, जिसके चलते विभागीय तौर पर नोटिस भेज दिया गया है। कर्मचारियों ने राजनीतिक नेताओं की मिलीभुगत से लाखों रुपए अंदर खाते लेकर अवैध कब्जा करवाने के सवाल पर एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि अगर पैसे लेकर कब्जा करवाने में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की शमूलियत पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कपूरथला से जार टीवी न्यूज़ के लिए निर्मल सिंह की रिपोर्ट। उत्थे तीन चार जने की इनक्रोचमेंट है, एक साइकिल वाले ने शैड बनाया आ, एक चाह वाले का खोखा आ और एक दावत रेस्टोरेंट वाले का। तिने जण जवानी तौर पर और लिखती तौर पर नोटिस देते हुए गए कि इनू अपने पद से हटा लिया जाए। दावत रेस्टोरेंट वाले ने सिर्फ 10 फुट का कब्जा हटाया, बाकियों वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत छेती असी जोड़ा है JCB नाल ढा के साफ कर देंगे। नहीं, बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 2-2.5 साल तो खोखा शायद जो दफ्तर चो मैं पता लगा वह लगाया, लेकिन पैसों की गल तो बिना इनक्वायरी तो नहीं पता की जा सकती। अगर कोई ऐदा की चीज़ है तो उस मुलाजम के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाऊगी। ओदी दफ्तर के रिकॉर्ड के शायद कोई पर्ची नहीं कट्टी जाती। हूँ नोटिस आया तो हूँ इमीजिएटली उत्ते एक्शन होएगा।